अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। क्यों पार्थ, आपने हमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिए। छोटी सी ही सही, लेकिन हमने हमारी सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे। कल से आप एक नई मीरा से मिलेंगे। खाना जी, हम जानते हैं आप परीक्षा लेते हैं और वही कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, पर अब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। पिछली बार तो हमने हार मान ली और चुपचाप सब कुछ सह लिया, पर इस बार नहीं, हमारे लल्ला की झोली में उसके हिस्से की खुशियां दे दो करना जी, दे दो। हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना सजना सजना, कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कैसी मोहब्बत वफा थी, पहले जो इसको समझ पाते, हुई क्या खता मिली सजा है। छोटी सी से, लेकिन हमने हमारे सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे। कल से आप एक नई मीरा से मिलेंगे।
जानू ना तेरी ओर मोहे होश नहीं दुनिया का दिल में ऐसा शोर दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना समझाऊ कैसे इस धड़कन को साजना जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही लिख ले नहीं दास्तां जिसमें नहीं फासला तेरे मेरा इश्क के तारे हो गवाह अग्नि के साथ फिरे रहने के बाद में हम किसी और के हो जाएंगे इस जन्म क्या सात जन्मों के लिए ये मीरा जिसका वजूद ये नहीं आप हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी हमारे सात जन्मों के बदले हम आपके सात मिनट चाहते हैं पार्थ छोटी सी से लेकिन हमने हमारे सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे क्या हमारा फैसला मीरा के साथ नाइंसाफी तो नहीं हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे आते हैं साली बेटा 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 सब कुछ खत्म हो रहा है एक उम्मीद थी कि कानाजी कोई चमत्कार करेंगे पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई लगता है कानाजी ने कलयुग में सुनना ही बंद कर दिया है मीरा के प्यार का लियाज नहीं रखा जीवन भर के हमारे विश्वास का लियाज नहीं रखा कान्हा जी ने दादी दादी ऐसा मत करिए ना एक ही रोशनी थी हमारे लल्ला के जीवन में मीरा और उसको भी कान्हा जी ने गर्व की झोली में डाल के बहुत गलत किया दादी आपका विश्वास अगर ऐसा डगमगा जाए तो ठीक नहीं है ना आपको याद है आपने बहुत पहले हमें एक बात बताई थी कि पार्थ अर्जुन का दूसरा नाम है और अर्जुन को स्वयं कान्हा जी ने खुद एक बार नहीं कई बार बचाया है और यहाँ तक कि यमराज जी से भी उन्हें बचा के लाए थे दादी क्योंकि अर्जुन उनके बहुत खास और करीब थे हमारे पार्थ भैया भी ना कान्हा जी के बहुत खास और करीब है तो कैसे नहीं बचाएंगे वो उन्हें जरा जरा सोचिए ना दादी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा दादी ये कान्हा जी का इशारा है जहाँ पे इंसानों की सोच खत्म होती है ना वहाँ कान्हा जी की लीला शुरू होती है और
हमें ना पूरा भरोसा है। सच कह रही हो बेटा, हमारी हिम्मत ही मारी गई थी, माफ करना। आज भैया का ख्याल हम और आप नहीं बल्कि खुद स्वयं कान्हा जी रखते हैं। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अरे सब तैयार हुए या नहीं? मेहमान आते ही होंगे। अरे ये ढोल वाले कहाँ रह गए? वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन हमारा पार्थ नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ रह गया? उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं आने वाला। नहीं आने वाला मतलब कहाँ है वो? हमने उसे हमारी शादी में आने से मना किया है। गर्व ये क्या कह रहे हो? शादी में आने से मना क्यों किया? क्योंकि वो पनौती है हमारे लिए माँ। हमारे सारे काम बिगाड़ देता है। और हमें हमारी शादी में कोई उत्पात नहीं चाहिए, तो दूर रहेगा तो अच्छा है। अरे 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 गर्व, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है भाई की शादी में सगा भाई नहीं आएगा, ये तो गलत बात है ना, वो भी एक ही शहर में रहकर। ये दुनिया को कितनी बातें करने का मौका मिल जाएगा। जेल में था तो बात अलग थी, अब तो छूट गया है ना वो। जीजी जरा इसे समझाओ, हमारे परिवार के लिए अच्छा ना होगा ना। पार्थ को यहाँ होना ही चाहिए, बोले थोड़ी देर के लिए सही, मुंह दिखाकर लौट जाए। भैया मुझे लग रहा है मंजू ठीक कर रही है। देखिए पार्थ को शादी में तो होना ही चाहिए ना। लो पार्थ भाई आ गए। शुक्र है आ गए तुम, वरना आज ड्रामा कैसे होता? अब आएगा असली मजा। कैसे लग रहे हैं? कोई मना किया था ना आने के लिए? बात समझ में नहीं आती। हमने बुलाया इसे, पार्थ भी इस घर का बेटा है। शादी ब्याह सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार इसमें शामिल हो। अब आप मेहमान आते होंगे, हमें कोई नाटक नहीं चाहिए। हार गए हम बिट्टू, हार गए। आखिरकार हमारा प्यार दम घोट रहा है, सब खत्म हो रहा है।
दीदी ढोल वालों के साथ पार्थ भी नाच रहे हैं। जब हमारे दिल में मीरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? क्यों उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती? दीदी कब तक और कितना छुपेंगी उनसे? अब तो आपको उनसे सामना करने की आदत डालनी पड़ेगी। जानते हैं हम बिट्टू, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन आज नहीं। आज हमारे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। कान्हा जी हमेशा खुश रखे हमारी बेटी को। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, माँ अपने घर से ज्यादा उस घर के बारे में ज्यादा सोचती है जहां उसकी बेटी ब्याह के जा रही होती है। और हर माँ का एक ही सपना होता है कि कोई राजकुमार आए और उसे रानी बना के अपने साथ ले जाए। और देखो इतनी जल्दी वो दिन आ भी गया। कहाँ तुम ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के यहां से वहां फुदकती रहती थी, और आज हमारी बेटी ऐसे दुल्हन बन के हमारे सामने खड़ी है और देखते ही देखते पराई हो जाएगी। ना बिट्टू रोते नहीं है, आज तो खुशी का दिन है ना, रोते नहीं। मेरा तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने ना औरत को बहुत मजबूत और बड़े दिल वाला बनाया है। उसे एक बार नहीं कई बार अपनी जड़ों से कट के फिर से फलना फूलना पड़ता है। जब वो ब्याही जाती है तब भी, और जब अपने कलेजे के टुकड़े को काट के प्याती है तब भी। अब अपनी जिंदगी के नई शुरू
रोते नहीं है। वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी। गर्व, मीरा आ रही है। रोक लीजिए हमें, रोक लीजिए पार्थ।